हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे और कुछ बेहतर करने की सोच रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत हमारे YouTube चैनल पे। मेरे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं इसराइल की जॉब के बारे में जो मेरे पास में आई हुई है, डायनेमिक ऑफिस की मेरे दोस्तों। और क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है। आप लोग कह रहे थे कि भाई क्लाइंट इंटरव्यू कब होगा, तो मेरे दोस्तों क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है। आप लोग को अगर क्लाइंट इंटरव्यू देना है तो आप लोग इस वीडियो पे बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारी रिक्वायरमेंट आने वाली हैं फ्री। ठीक है, फ्री रिक्वायरमेंट आने वाली हैं और किसी अदर कंट्री की भी आप लोग को कोई भी रिक्वायरमेंट चाहिए तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसराइल में जितने भी लोग गए हुए हैं, पहले जो जो लोग जा चुके हैं मेरे दोस्तों, तो वो लोग किसी चाइनीज़ कंपनी में गए हुए हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसके कारण उन लोगों को ना कोई काम मिल पा रहा है और ना ही कोई वो लोग सही से काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके चलते यही न्यूज़ आ रही है बार बार कि वहाँ से कुछ लोग जो है वापसी आने की तैयारी बना रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई चाइनीज़ कंपनियाँ हैं जिसके कारण ही जो है कुछ लोगों के वीज़े जो हैं, जैसे कि फर्स्ट राउंड वाले हो गए ना, कुछ लोगों के फर्स्ट राउंड वालों के जो है वीज़े जो लगे हुए हैं वो चाइनीज़ कंपनी में लग गए। ठीक है, जिसके कारण वहाँ से उनको हटाया जा रहा है। ठीक है, किसी और कंपनी में वो लोग सेलेक्ट करेंगे। और आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि भाई थर्ड राउंड का इंटरव्यू जो है वो मेरे दोस्तों अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और कहाँ पर होगा, किस जगह पर होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को जाना है पैसा कमाने के लिए तो मेरे दोस्तों इसराइल कंट्री है, गल्फ कंट्री है, यूरोप कंट्री है, मेरे पास में बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती हैं। आप लोग वहाँ पर जाकर के पैसा कमा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को फ्री में ही आप लोग जाइए तभी आप लोग पैसा कमाओगे। ठीक है, थोड़ा जब तक कि पैसा नहीं लगाओगे भाई, उसके बाद ही आप लोग पैसा कमाओगे। ठीक है, तो आप लोग को अगर जाना है तो आप लोग जो है एजेंसियों के थ्रू भी जा सकते हो मेरे दोस्तों, जो कि मैं आप लोगों को डेली के डेली जॉब बताते रहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग देख रहे होंगे मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर मैंने रिक्वायरमेंट लगाया हुआ है, हायरिंग फॉर अ इसराइल। ठीक है, इसराइल की रिक्वायरमेंट आई है। क्लाइंट इंटरव्यू फॉर्म 24 to 30 June 2024। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट आई है। क्लाइंट इंटरव्यू जो है 24 और 30 जून को होने वाला है। ठीक है, इसमें तीन तरह की कंपनी की जॉब आई हुई है मेरे दोस्तों, जो कि मैं आप लोगों से बताऊंगा। ठीक है, पहली जो कंपनी है जिसमें जो रिक्वायरमेंट आई है, फॉर अ रूपेटेड टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, फॉर रूपेटेड टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की ये रिक्वायरमेंट आई है। ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट आई है, टायर बिल्डर्स की रिक्वायरमेंट आई है, मिक्सिंग की रिक्वायरमेंट आई है, और मेंटेनेंस मैकेनिक की रिक्वायरमेंट आई है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट आई है किसकी, फॉर आर रूपेटेड टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी कंपनी है, दूसरी कंपनी की जॉब आई है वो है फॉर आर रूपेटेड प्लास्टिक कंपनी। ये प्लास्टिक कंपनी की जॉब है, इसमें रिक्वायरमेंट आई है तो मोल्डिंग ऑपरेटर। दूसरा है HDPE इंजेक्शन पेट। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट आई है। जिस भाई को भी काम आता है, जिसको भी ये नॉलेज है, मालूम है, वो जाकर के अप्लाई कर सकता है। क्लाइंट इंटरव्यू 24 और 30 जून को होगा। ठीक है, तीसरी जो रूपेटेड कंपनी है वो है कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंपनी की जो रिक्वायरमेंट आई है उसमें आप लोग देख लीजिए कौन सा ट्रेड आया है। सिविल का आया है, सिविल फोरमैन का। ठीक है, चार्ज हैंड इंजीनियर, चार्ज हैंड स्टील फिक्सर, शटरिंग कारपेंटर, MEP कोऑर्डिनेटर, बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन, बहुत सारे कमेंट मेरे पास में आ रहे थे कि भाई इलेक्ट्रीशियन का काम कब आएगा, तो बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन का काम आ चुका है। जिस भाई को भी अप्लाई करना है 24 और 30 जून, ये आप लोग डेट मत भूलिएगा, क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, और है लॉक्स स्मिथ, और है ड्राई वॉल वर्कर। ठीक है, ब्लॉक मेशन, ये रिक्वायरमेंट मेरे पास में आई है। तो जिस भाई को भी अप्लाई करना है 24 और 30 जून को जाकर के क्लाइंट इंटरव्यू दे सकता है। उससे पहले आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वगैरह डायनेमिक ऑफिस में जाकर के सेंड करना है तो आप लोग जमा कर सकते हो, और कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग देख लीजिएगा, और जो इनका
रिक्वायरमेंट है वो भी देख लीजिए। कॉन्टैक्ट इमिडिएटली विथ अपडेट रिज्यूम एंड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। और आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर बता दे रहा हूँ, 9193130166 1, ठीक है। दूसरा है 9833797573, ठीक है। ईमेल आईडी है vinod@dsshr.com, ठीक है। ये इस पे आप लोग अपना डॉक्यूमेंट भी सेंड कर सकते हो। और डायनेमिक स्टाफिंग सर्विस में आप लोगों को जाना है कहाँ पर, 3C3 गुंडेचा इनक्लेव अपोजिट क्रेसेंट बिजनेस स्क्वायर केरानी रोड सेकी विलेज मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को जाना है इंटरव्यू देने के लिए। और कॉन्टैक्ट नंबर जो मैंने बताया है आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इनसे बात कर सकते हो कि किस जगह पे कहाँ पर कैसे इंटरव्यू देना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जॉब जो है वो भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो भी मेरे दोस्तों डायनेमिक ऑफिस की ही आई हुई है। तो जिस भाई को भी जाना है इंटरव्यू जो है 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 26 तारीख से स्टार्ट होगा, 30 तारीख तक ये इंटरव्यू चलेगा। तो आप लोग देख लीजिए कौन सा ट्रेड आया हुआ है। जिस भाई को भी जाना है अप्लाई करना है जाकर के अप्लाई कर सकता है। एजेंसियों में ही आप लोग जाओ, वहां से ही आप लोग जाकर के इसराइल पहुंच सकते हो और फिर पैसा कमा सकते हो, ठीक है। आर रूपेटेड कंपनी फॉर इसराइल, अर्जेंटली ऑफिस इंटरव्यू ऑन 26 जून 2024, ठीक है। कौन सा ट्रेड आया हुआ है वो भी आप लोग देख लीजिए, इनकी क्या डिमांड है और इन्होंने कितनी क्वालिफिकेशन मांगा है, ये सब आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहला है ब्लॉक मेसन, ब्लॉक मेसन ने 15 लोगों की रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश रिक्वायर्ड है, मतलब इंग्लिश भी आना चाहिए। और ड्राइविंग लाइसेंस इन्होंने मांगा है, ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए और 10th पास होना चाहिए, ठीक है। 10th पास होना चाहिए, नॉलेज ऑफ ब्लॉक मेसन मेक वॉल, ठीक है। मतलब ब्लॉक मेसन और वॉल पे जो प्लास्टर किया जाता है वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है सिविल फोरमैन, 15 लोगों की रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश स्पीकिंग इसमें भी मांगा है, ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा है आप लोगों का इंडिया का, और ग्रेजुएट फॉर डिप्लोमा इन सिविल, ठीक है। ग्रेजुएशन भी आप लोगों का मांगा है डिप्लोमा और सिविल से, ठीक है। तीसरा है बिल्डिंग इंजीनियर, सिविल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बर, ठीक है। बिल्डिंग इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बर ये तीसरा रिक्वायरमेंट है मेरे दोस्तों। इसमें भी 15 लोगों की रिक्वायरमेंट है और इंग्लिश स्पीकिंग इसमें भी मांगा गया है और ड्राइविंग लाइसेंस भी मांग रहे हैं। डिप्लोमा डिग्री इन इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ये आप लोगों का होना चाहिए। चौथा है कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर में 4 लोगों की रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश स्पीकिंग इसमें भी मांग रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा है, ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। पांचवा है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, 25 लोगों की रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश स्पीकिंग इसमें भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए और 12th पास होना चाहिए, मतलब 12वीं पास होना चाहिए। प्लम्बर में 25 लोगों की रिक्वायरमेंट है मेरे दोस्तों। प्लम्बर का काम आ चुका है, जिस भाई को भी जाना है 26 तारीख से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। डायनेमिक ऑफिस में 30 तारीख तक चलेगा, तो जिस भाई को भी प्लम्बर का इंटरव्यू देना है जाकर के दे सकता है, ठीक है। 25 लोगों की रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश भी इसमें मांगी गई है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। और ऑल टाइप प्लम्बरिंग वर्क, मतलब पूरा आपको प्लम्बर का काम आना चाहिए सब कुछ, ठीक है। और ड्राईवॉल वर्कर 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश स्पीकिंग इसमें भी मांग रहे हैं और ड्राइविंग लाइसेंस 12वीं पास, ठीक है, इसमें ये मांगा गया है। इसमें क्या है मेरे दोस्तों कि आप लोग जो है इंडियन जो एक्सपीरियंस है, इंडियन एक्सपीरियंस के साथ में इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, इंडियन एक्सपीरियंस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को जाना है केबिन नंबर 7 में डायनेमिक ऑफिस, आप लोगों को सबको पता है, ठीक है। और मोबाइल नंबर मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, वो मोबाइल नंबर है जो 4 मोबाइल नंबर डेली देता हूँ वही मोबाइल नंबर रहेंगे, ठीक है। 7 केबिन नंबर 7 में जा करके आप लोगों को इंटरव्यू देना है, ठीक है। 26 तारीख को इंटरव्यू स्टार्ट होगा, 30 तारीख तक चलेगा, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस मेरे दोस्तों इसलिए मांग रहे हैं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि आप लोगों को गाड़ी से कुछ जाना पड़ जाए, कहीं
काम पर ही जाना पड़ जाए, या आप लोगों को कंपनी गाड़ी देती है कि आप लोग अपनी अपनी गाड़ी से जाएंगे, इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस इन्होंने रिक्वायर्ड किया है, ठीक है। और एज 25 से 45 साल है, ठीक है, 25 से 45 साल वाले ही इसमें अप्लाई करेंगे, एक दो ऊपर नीचे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन सर्टिफिकेट वगैरह आप लोगों के पास में होना चाहिए, ठीक है। केबिन नंबर साथ में जा करके आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी रिक्वायरमेंट कोई भी चाहिए तो आप लोग जो है मेरे वीडियो को देखते रहिए और बेल आइकन का बटन दबा दिए, जिससे कि आप लोगों को हमारी नोटिफिकेशन वीडियो की सबसे पहले मिल जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जॉब के साथ में, किसी अच्छे टॉपिक के साथ में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।